हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम इज हियर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं ट्रैवलिंग करती हूँ या घर से बाहर जाती हूँ यानी आउटडोर होती हूँ तो अपने पर्स में क्या रखती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने पर्स में क्या रखती हूँ गाइस, और कितना ज़रूरी का सामान इसमें रखती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए मैं आपको आज बताऊँगी कि मैं अपने पर्स में क्या रखती हूँ जब मैं आउटडोर होती हूँ, ट्रैवलिंग करती हूँ, तो मैं क्या क्या रखती हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको। तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगी कि मैं आउटडोर पे जाती हूँ तो क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए भी है, उसे आप जब भी घर से 5 मिनट के लिए भी बाहर क्यों ना जाएं, 10 मिनट के लिए भी मार्केट क्यों ना जाएं शॉपिंग या सब्जी वगैरह लाने के लिए, तो आप अपने पर्स में मोबाइल ज़रूर रखें। तो मैं मोबाइल ज़रूर कैरी करती हूँ और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मोबाइल जब भी घर से बाहर निकलो ज़रूर मोबाइल कैरी करो। तो मैं मोबाइल ज़रूर कैरी करती हूँ। तो ये देखिए, मैं अपना मोबाइल को कैरी करती हूँ, अपने पर्स में ज़रूर रखती हूँ। ओके गाइस, और मोबाइल के साथ वैसे ही आप शॉपिंग के लिए गए या ज़्यादा देर के लिए नहीं गए तो आपको मोबाइल के लिए चार्जर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तो आपको चार्जर लेने की ज़रूरत होती है। अगर आपका कोई प्लान है कहीं रहने का 4 दिन 5 दिन के लिए तो आपको चार्जर कैरी करना पड़ता है। तो मैं चार्जर ज़रूर ले जाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चार्जर ले जाती हूँ। ये रहा मेरा चार्जर, मोबाइल के साथ मैं चार्जर ले जाती हूँ। अगर मैं एक दिन के लिए जाती हूँ 24 घंटे के लिए और मैं कार में हूँ, ट्रैवलिंग कर रही हूँ, ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रही हूँ, अगर ट्रेन में हो तो वहाँ पे प्लग तो रहता है तो आप वहाँ लगा सकते हो, बट क्या होता है ना कि पलक में लगा रहे हैं मोबाइल, उसमें कनेक्ट है, कहीं हमारा मोबाइल चोरी ना हो जाए तो हमें ये थोड़ा टेंशन लगा रहता है। जब तक मोबाइल चार्ज नहीं होता तब तक ध्यान हमारा मोबाइल पे रहता है। तो उसके लिए पावर बैंक होता है, तो पावर बैंक मैं कैरी करती हूँ। अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है और तो ये है पावर बैंक हमारा, ये मैं पावर बैंक को पूरा फुल चार्ज कर लेती हूँ। इससे पूरा फुल चार्ज कर लोगे तो आपको पलक की ज़रूरत नहीं है, स्विच बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, आप इसे चार्ज कर लोगे तो इसमें आप कनेक्ट करके उसका जो चार्जर का जो वायर होता है वायर को इसमें कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल पे कनेक्ट करके आप अपने इसे पर्स में भी डालकर मोबाइल और ये पावर बैंक चार्ज इजीली कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है स्विच बोर्ड का, जैसे आप कार में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको स्विच बोर्ड तो वहाँ रहता नहीं है, और तो आप क्या करो, जैसे ट्रेन में भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रेन में क्या होता है कि हमारा स्विच बोर्ड रहता है, पर आपको डर रहता है मन में कि जब तक हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ तब तक उसे देखते रहो, तो पावर बैंक आप ज़रूर कैरी करें। पावर बैंक में क्या होता है, आप इसमें लगा लोगे और अपने आप पर्स में रख सकते हो, अपने पास रख सकते हो, ये ईज़िली आराम से चार्ज करेगा मोबाइल। और अगर आपका मोबाइल का बैटरी भी चला गया है, स्विच बोर्ड नहीं है, तो पावर बैंक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है और आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। इसमें ये 3 मोबाइल चार्ज होगा, 3 मोबाइल आप चार्ज कर सकते हो, और अच्छा है पावर बैंक को फुली चार्ज, कहीं भी मैं जाती हूँ तो इसे फुली चार्ज कर लेती हूँ, कार में रहती हूँ या ट्रेन में रहती हूँ तो इससे कनेक्ट करके मेरा मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो ये मैं मोबाइल पावर बैंक ज़रूर रखती हूँ। और अगर हम ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो गाना सुनने का तो बहुत ही ज़्यादा मन करता है, तो मैं ईयरफोन ज़रूर लेती हूँ। ये रहा मेरा ईयरफोन, और मैं और बता रही हूँ आपको, सैनिटाइज़र मैं हर वक्त रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना वायरस आया है इसीलिए मैं सैनिटाइज़र रखती हूँ, मेरा शुरू से मतलब ये आदत है कि मैं सैनिटाइज़र अपने बैग में ज़रूर रखती हूँ। क्यों ना मैं 10-15 मिनट या 1 घंटे के लिए या बाहर शॉपिंग के लिए भी जा रही हूँ तो मैं ये सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करती हूँ, कि बाहर में अगर हमें कुछ खाने का मन किया तो हम इससे सैनिटाइज़ कर लेते हैं अपने हैंड को तो आप इज़िली खा सकते हो। तो मैं ये सैनिटाइज़र ज़रूर ले जाती हूँ, और सैनिटाइज़र हो गया। और मैं आपको मेकअप का सामान बताती हूँ, और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मैं सेल्फ़ी स्टिक लेके जाती हूँ, अपने पर्स में रखती हूँ सेल्फ़ी स्टिक, क्योंकि अगर आपको मन किया फ़ोटो वगैरह खींचने का तो मैं हमेशा रखे रहती हूँ अपने पर्स में, सेल्फ़ी स्टिक निकाल के आप सेल्फ़ी ले सकते हो इजीली।
और ये मैं हैंकी भी रखती हूँ अपने पास, हैंकी भी काम आता है, तो अगर समर का टाइम है तो हैंकी बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं हैंकी लेके रखती हूँ अपने पर्स में। और ये हुआ मेरा रबर बैंड, ये मैं रबर बैंड रखती हूँ, अगर आपके हेयर ओपन है, आपको मन कर रहा है, बहुत स्वेटिंग हो रहा है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, अपने हेयर को फोल्ड कर लेती हूँ और इस तरह से चोटी कर लेती हूँ, या तो आप बन भी कर सकते हो, जूड़ा बांध सकते हो, तो इस तरह से मैं और आप सबको तो पता है कि मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बेबी है, मैं बच्चे वाली हूँ, तो मुझे बेबी के लिए भी अपने पर्स में सामान ज़रूर केयर करना पड़ता है, क्यों ना मैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए जा रही हूँ, तो मैं ज़रूर अपने पर्स में बेबी के लिए सामान रखती हूँ। क्या क्या रखती हूँ वो भी मैं बताऊँगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डायपर अपने पर्स में रखती हूँ, अगर हमारी मेरी बेबी अगर पॉटी वगैरह कर दी है तो मैं ये डायपर चेंज कर लेती हूँ, और मैं ये बेबी वाइप्स भी लेके चलती हूँ, बेबी वाइप्स से अगर पॉटी कर दिए तो बेबी वाइप्स से ये साफ़ कर देते हैं। इसका एक और बेनिफिट्स है कि मैं बेबी वाइप्स को वैसे भी बेबी आने के पहले भी मैं ये बेबी वाइप्स को कैरी करती थी अपने पर्स में, अगर आपके फेस स्वेटिंग हो रहा है, आपको अपने मेकअप को रिमूव करना है, मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कि आप अपने मेकअप को बेबी वाइप्स के हेल्प से कैसे रिमूव करें, तो आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हो। तो ये मैं बेबी वाइप्स रखती हूँ मेकअप को रिमूव करने के लिए, अगर आपको अपना मेकअप रिमूव करना है तो आप ट्रैवलिंग वगैरह में, ट्रेन वगैरह में, कार वगैरह में आप ये बेबी वाइप्स निकाल के अपने फेस के पूरे मेकअप को रिमूव कर सकते हो, तो मैं ये बेबी वाइप्स को ज़रूर लेती हूँ अपने पर्स में मेकअप को रिमूव करने के लिए। और ये मैं चूटा भी लेके जाती हूँ जो ये इसको लगाने के लिए बालों में। और मैं आपको बताऊँगी कि मैं मेकअप का सामान क्या क्या रखती हूँ अपने पर्स में। वैसे ज्वेलरी वगैरह तो बहुत बड़ा बैग में रखती हूँ जिसमें कपड़े वगैरह रखती हूँ, क्योंकि ये पर्स में ज़्यादा सामान कैरी होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए जितना हो सके उतना कम सामान मैं कैरी करती हूँ अपने पर्स में, जो जो एसेंशियल का चीज़ होता है वो मैं पर्स में कैरी करती हूँ। तो ये मेरा इसमें मैं मेकअप का सामान रखती हूँ, क्या क्या रखती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको, मैं कॉम्ब रखती हूँ अपने हेयर को कॉम्ब करने के लिए, अगर आपका बाल ख़राब हो गया तो। ये मैं काजल रखती हूँ, ये कॉम्पैक्ट पाउडर टचअप करने के लिए, और ये मैं लिपस्टिक, बस इतना ही सामान मैं अपना मेकअप का चीज़ अपने पर्स में कैरी करने के लिए रखती हूँ। और ये हमारा गॉगल्स, घूमने वगैरह गई फोटो वगैरह खींचना है तो ये मैं गॉगल्स भी अपने पर्स में रखती हूँ। और ये मैं वाटर बॉटल रखती हूँ, वाटर बॉटल पानी वगैरह प्यास लगा तो अपने पर्स से निकाल कर पानी अपने बेबी को देती हूँ, अपने खुद पीती हूँ, मेरे हस्बैंड को प्यास है तो प्यास लगा तो ये पानी हमारा यूज़ होता है, क्योंकि ये इतने सारे चीज़ मैं अपने पर्स में रखती हूँ। ये देखिए बेबी हो जाने के बाद मैं ज़्यादा बड़ा थोड़ा सा पर्स लेती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। तो गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, हो सके तो मेरे वीडियो को फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें, और बहुत ही सेफ्टी से रहें, घर से बाहर निकले तो घर अच्छे से सेफ्टी सैनिटाइज करें खुद को, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर सर, बाय।